है, तो हम सभी के लिए वो क्लास करेंगे, धारणा युक्त क्लास। सभी दीदी का तालियों से स्वागत करना। शांति। आज हमारे बीच इस सभा में उपस्थित हैं राजयोगिनी आदरणीय सरला दीदी जी। तो आइए हम कलवा सेंटर की तरफ से और सब ब्राह्मण परिवार की तरफ से जोरदार तालियों से दीदी जी का भरपूर दिल से कोटि कोटि बार स्वागत है, अभिनंदन है। आप बचपन से ही ज्ञान में हैं और 33 वर्षों से समर्पित हैं। 20 वर्षों से थाना के लाइट हाउस सेंटर में पर सेवाएं दे रहे हैं। आप प्रशासनिक एवं धार्मिक प्रभाग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप कई अभियान यात्राओं की सूत्रधार रही हैं। आप वर्तमान समय आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अनेक स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस में और अनेक एनजीओस के साथ मिलकर विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स देकर विशेष समाज सेवा कर रही हैं। दीदी जी को विशेष समाज सेवा के लिए 2011 में टीएमसी द्वारा थाने भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और आरटीओ एवं वन विभाग की तरफ से भी अवार्ड प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2022 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की पदवी से दीदी जी को नवाजा गया। आज दीदी जी जो क्लास कराएंगे उसका टॉपिक है धारणा युक्त। तो आज की विशेष क्लास है धारणा युक्त और इस क्लास का उद्देश्य है व्यक्तियों को आंतरिक शांति, स्पष्टता और अपनी सच्ची पहचान के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में कैसे मदद करता है, उस पर दीदी जी आज प्रकाश डालेंगे। अब मैं प्रभा दीदी से निवेदन करती हूँ कि वह दीदी जी को पुष्पों से पुष्प देकर स्वागत करें। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा और महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। तो आइए सुनते हैं सरला दीदी जी को। ओम शांति। कई बार कहती है
कि आपके चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे, आपके चेहरे से वो बात दिखाई दे जो उन्हें चाहिए वो मिल जाए, तो वो कैसे हो सकता है अनुभव। अब अनुभव भी कब आता है, जब हम उसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, और बहुत ज़्यादा अभ्यास करने के लिए समय की आवश्यकता। ब्राह्मणों के पास समय है समय या ब्राह्मणों के पास भी समय नहीं? ब्राह्मण समय निकाल ही लेते हैं, क्योंकि समय उन चीज़ों के लिए निकलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिससे हमें कुछ मिलता है, तो अपने आप हमारा समय निकलता है। वैसे तो दुनिया में जिससे मिलो एक ही बात सब कहते हैं, हम बहुत बिजी है, हमारे पास समय नहीं है, सब कुछ चाहिए पर समय नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं जानते हैं कि अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो हम किसी को कैसे कुछ दे पाएंगे। तो जो देना है उसका हमारे पास स्टॉक रहना जरूरी है। कई बार ये बातें हम जब सुनते हैं क्लास में बोलियों में हमें अच्छी लगती है, परंतु उन अच्छी लगती हुई बातों को जब हम अपने व्यवहार में आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मित्र संबंधियों के पास जाते हैं, कहाँ कहाँ वो बात छूट जाती है, होता है ऐसा? सवेरे ही हमने बाबा की मावा के सुन लिए, बाबा ने कहा आप शांति दूत हो, शांति क्या होता है, कुछ दिन पहले बाबा ने स्लोगन में वरदान में कहा था। अब जब सुना तब तो बड़ा अच्छा लगा, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति के अवतार हूँ, शांति की देवी हूँ, बहुत अच्छे समान सुने, भगवान में तथास्तु ही कर दिया। पर लेकिन जब हम सारे दिन में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है जो मैंने चाहा या जो मैंने कहा उससे वो अलग है, तुरंत क्या होता है, तुरंत क्या होता है, हमारे सबसे पहले अंदर की शांति खत्म होती है, फिर वो अंदर की शांति हमारे बाहर की शांति को भी खत्म करती है। तो जो भी हमारी स्थिति की बात आती है वो अंदर के लिए, हम बाहर से सारा दिन शांति की बात करें पर अगर हमने मन के अंदर वो स्थिति नहीं बनाई, भले हम कहें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संता हूँ, रट्टे मार लिए और ये इतने रट्टे मारे हुए हैं जो नींद में से भी उठ कर कोई पूछे हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब बोलने तक तो हम सब बहुत अच्छे अभ्यासी बन गए हैं, लेकिन स्तुति के अभ्यास, बोलने का अभ्यास है, सुनाने का अभ्यास है, लेकिन अपनी स्तुति में स्थित रहने का अभ्यास, उसकी आवश्यकता है। अब उसकी आवश्यकता है तो अगर मैंने सुबह बहुत शांति से बाबा से प्यार से बातें की और हम कहें मेरा आधा घंटा पौना घंटा अभ्यास तो हो गया, वो अभ्यास सारे दिन में वो मुझे कितना मदद भी कर रहा है। हम कई बार कहते हैं सुबह अच्छी हुई दिन अच्छा होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, अटेंशन भी देना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, तो मैं ये हूँ तो मुझे क्या करना है। तो हमें इस बात का अभ्यास करना, भले बाबा के हम अलग अलग सम्मान सुनते हैं पर हम उसके अभ्यास कितने करते हैं। अब अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि मैंने रच लिया मैं बार बार कहूँ मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उससे भी शांति नहीं आ जाती, पर उसको कर्मों में ले करके करते हुए देखना। जैसे हम लोग हमसे पूछते हैं शांति क्या है, तो आवाज़ नहीं है मन शांति है, या सिर्फ इसे शांति कहेंगे? शांति की परिभाषा क्या है? जहाँ मतभेद नहीं, जहाँ टकराव नहीं,
जहाँ ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना नहीं, वहाँ हम कहते हैं शांति। कई बार हम कहते हैं ब्राह्मणों के घर में तो बहुत शांति लगी, इवन सेंटर पे आए तो हमने कहा सेंटर का वातावरण बहुत शांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लड़ाई झगड़ा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ का वातावरण शांत है। मंदिर का वातावरण शांत है क्योंकि वहाँ इस प्रकार की कोई बात दिखाई नहीं देती। अब हम इससे भी गहरा अपने अंदर में जाकर देखिए, क्या मेरा मन ऐसा मंदिर बना है? क्या मेरा मन ऐसा शांति का कुंड बना है? क्या मेरा मन ऐसा शांति की अनुभूति करने और कराने वाला स्थान बना है? उसके लिए ही मेहनत है, आत्मा समझकर शांत स्वरूप रहना, उससे ज्यादा इस चीज की आवश्यकता है कि मेरा मन वो शांति का मंदिर बन जाए। जो मुझे देखे वो ये महसूस करे ये शांति की मूर्त है। अब ये हम कैसे ला सकते हैं? रोज बैठकर हम लिखने का काम नहीं कर सकते। बाबा कई बार कहता है मैं आत्मा हूँ लिखो। अब ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ उन्होंने सब छोड़ा और यही अभ्यास किया। आज हम सब काम करेंगे, रोज काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, माताएं बहनें घर में काम कर रही है, ये सब कुछ करते हुए मुझे ये अभ्यास करना है। ऐसा भी नहीं कि हम जगह जगह लिख करके रख देंगे और मेरा अभ्यास हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो मन है वो सबसे बड़ी स्लेट है, उस मन के अंदर मुझे लिखना होगा और बुद्धि के द्वारा उसे रोज बार बार देखना होगा। देखने से क्या होगा? स्मृतियाँ जागृत होती है। जिस चीज को आप बार बार देखो आपको याद करना नहीं पड़ता, कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें भी उन स्मृतियों को जागृत करना होगा। अब जागृत करने के लिए हमारे पास जो व्यवहार में आते हैं, तो पहले ये देखना होगा कि व्यवहार में क्या बातें आती है जिससे हमारी स्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, अशांति या थोड़े समय के लिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत अशांत भी नहीं होते, खुद को सेट भी कर लेते हैं क्योंकि बाबा का ज्ञान है, ड्रामा पता है, फिर हम बाद में खुद को याद दिलाते हैं ड्रामा, हर आत्मा का पाठ, बहुत सारी बातों का ज्ञान याद तो आता है लेकिन कब? कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद। कभी कभी बातें हम कुछ समय के बाद नहीं, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीनों तक चलाते हैं, ऐसा होता है। कभी कभी किसी के साथ हमारा मतभेद बहुत ज़्यादा नहीं था परंतु उसका व्यवहार, उसके शब्द या उसका देखना, बस उतना भी हमारे अंदर वो बात बैठ जाती है और फिर हम ये सोचते नहीं इनके साथ वो ब्राह्मण है, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा ही क्यों ना हो। आता है ऐसा विचार? ऐसे लोग मिलते हैं क्योंकि हर व्यक्ति मेरे जैसा नहीं हो सकता। अगर हर एक मेरे जैसा हो तो बाबा का ड्रामा ही फेल हो जाए। हर आत्मा का अपना अपना रोल है, यूनिक रोल है, तो बाबा ने तो कहा हर एक का अपना पाठ। फिर भी हम अपेक्षा, हमारे अंदर में जो थोड़ा भी शांति की अनुभूति की कमी होती है उसका कारण अपेक्षा है। कितने लोगों के साथ रहते हुए हम कितनों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, चाहे वो बच्चों से, चाहे वो पति से, चाहे पति पत्नी से रखें, चाहे वो अपने लौकिक व्यवहार में रखें, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं पूरी हुई सब बहुत अच्छे हैं, और जहाँ अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वहाँ हम कहते हैं ये ठीक नहीं है। ठीक तो अपने हिसाब से वो भी है, ठीक हमारे हिसाब से हम भी हैं, लेकिन दोनों के देखने के दृष्टिकोण में अंतर है। और वो देखने का दृष्टिकोण, वो हमारे देखने का रवैया
हमें अनुभूति कराता है। कोई भी बात हमें बाहर से दूसरा व्यक्ति आकर अनुभव नहीं करा सकता, क्योंकि हमें अनुभव खुद को करना है। एक बार एक साधु महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन के बीच में भूकंप आया और सब लोग उठकर बाहर चले गए, यहाँ तक कि जो आयोजक थे वे भी उठकर बाहर चले गए, लेकिन वो महात्मा जी वहीं पर बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद जब लगा कि अब दोबारा झटका नहीं आना है, थोड़े थोड़े से लोग वापस आए, सारे तो नहीं आए, थोड़े थोड़े से लोग वापस आए और आलोचक भी वापस आया, और फिर से वो महात्मा ने अपना प्रवचन शुरू किया। आयोजक ने उसे बीच में रुका के और पूछा कि जब भूकंप आया सारे लोग भागकर बाहर गए, आप क्यों नहीं बाहर गए? तो उसने कहा, भागा तो मैं नहीं था, लेकिन वो बाहर भागे और मैं अंदर भाग रहा था, दोनों के भागने में बड़ा अंतर था। तब उन्होंने कहा कि दुनिया में तीन प्रकार की नाव में लोग भागते हैं। पहली नाव है धन की नाव। लोग सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं? कमाने के लिए, धन के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझा धन मिलेगा तो धन से सुख के साधन आएंगे, साधन आएंगे तो हम सुखी शांतमय जीवन व्यतीत करेंगे, धन की नाव में भागे जा रहे हैं। दूसरी नाव थी जो प्रतिष्ठा, अहम की भावना, मैं, नाम हो जाए, मान हो जाए, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति ये है, उसके पीछे कितना धन भी खर्च कर रहे, कितना समय भी खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें लोग समझे कि मैं हूँ कुछ। तीसरे प्रकार की जो नाव है वो है स्वास्थ्य और सम्मान। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जहाँ भी थोड़ी सी बीमारी की बात सुने हम खुद को चेक करने लगते रहे, कहीं वो सारे मेरे अंदर तो नहीं, कोरोना के बाद दूसरी एक बीमारी का नाम आया और उसके बहुत सारे लक्षण बताए गए, तो हम तुरंत खुद से टैली करने लगते हैं, अरे मेरे में कहीं ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है, थोड़ा भी आया तो हम तुरंत कहेंगे भाई चेक करो। तो स्वास्थ्य की नाव में भी दौड़ रहे और साथ में संबंध, क्योंकि जो हमारे घर के अंदर संबंध है कम से कम वो तो टिके रहे। और चौथी नाव है जिसमें सब नहीं बैठते, आध्यात्मिकता की नाव। तीन नाव वाले बाहर भागते हैं और आध्यात्मिकता की नाव में बैठने वाले अपने भीतर भागते हैं। अब जो तीन नाव में भाग रहे थे वो रोज अपने घर में क्या लेकर आते हैं, क्या कमा कर आते हैं? नाम कमाया, धन कमाया, साधन कमाए, लेकिन शांति, मन का सुख, संतुष्टता ये मिली नहीं। चीजें तो मिल गई, पैसा भी मिल गया, पर सुकून नहीं मिला। परंतु चौथी नाव में बैठने वाला, उसने धन नहीं लाया, उसने नाम नहीं लाया, उसने मान नहीं लाया, पर सबसे बड़ी शक्ति लाई शांति की, सुकून की, और वो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप धन कितना भी कमा लो लेकिन मन बेचैन है, उस धन का क्या लाभ है? तो बाबा तो हमें यहाँ वो शिक्षाएँ रोज़ देता है, अब रोज़ सुनते तो हम भी हैं, हम भी अपने आप को एक बार देख लें, हम कौन सी नाव में कितना समय भागते हैं? आप कहेंगे 24 घंटे थोड़ी आध्यात्मिकता की नाव में बैठ सकते हैं, धन भी चाहिए, धन चाहिए, परंतु धन को पाने के लिए गुणों के साथ अगर पाए तो धन के साथ साथ दुआएं भी कमाई जाएंगी और वो दुआएं हमें शांति देने का काम करेंगी, सुख देने का काम करेंगी।
स्वास्थ्य को संभालना जरूरी है, पर मन का स्वास्थ्य रोज हम देखें, क्या मेरा मन स्वस्थ रह रहा है? तन स्वस्थ रह गया, थोड़ी सी बीमारी हुई, दवाई ली, अटेंशन रखा, कभी रेस्ट भी लिया, लेकिन मन के लिए हम कहेंगे बाबा के बच्चे तो मन के ध्यान तो रखते हैं, अमृत वेला ही रूम कर लेते हैं, फिर बाबा के महावाक्य सुन लेते हैं, फिर यथाशक्ति यथा समय हम सेवा भी करते हैं, तो मन का ध्यान तो हो गया। ये तीन काम मैंने किए, अमृत वेला किया, महावाक्य सुने, यथाशक्ति सेवा की, क्या मैंने मन के आधार से स्वस्थ रखने के लिए काम पूरा कर लिया या कुछ और छूट गया? हो गया या छूट गया है? कितने लोग कहते तीन काम के तो मन को शांति मिल गई, मन का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया वाले नहीं। अच्छा, छूट गया, क्या छूटा? अच्छा, रात का मेडिटेशन रह गया, और क्या छूटा? सभी आत्माओं के प्रति सुभावना से हमने जो अमृत वेला किया अपने लिए किया, मेरा मन सशक्त बने, मुझे बाबा से प्राप्तियां हो, उस समय हो भी गई, फिर मैंने बाबा के महावाक्य सुने, ये कान पवित्र बने, हृदय पवित्र बना, पर जब मैं सेवा के क्षेत्र में आया, चाहे लौकिक सेवा चाहे अलौकिक सेवा, कोई भी सेवा के कार्य में आया, उस समय मेरा मन कितना स्वस्थ रहा? अस्वस्थता तो सेवा में ज़्यादा आती है, अस्वस्थ तो वहाँ होते हैं, हम चाहते कुछ है होता कुछ है, कभी कभी हम जिनके साथ सेवा चाहते हैं वो व्यक्ति नहीं मिलता है, कोई और ही मिलता है, उनके साथ हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं होती, फिर कहते ठीक है बाबा की सेवा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अंदर अगर एक भी संकल्प चला तो क्या हुआ? मन तो स्वस्थ नहीं हुआ ना? और अगर मन से सेवा करते करते किसी ने कोई बात कह दी, तब हम मन तो चलाते रहते, हम सेवा छोड़ के जा भी नहीं सकते, लेकिन मन भी अंदर में चलता है, तो इसे भी मन की स्वस्थता नहीं कह सकते। तो क्या सारा दिन मेरा मन भी स्वस्थ रहता है? अब जब तन स्वस्थ नहीं है पता चला, तो हमने क्या किया? कोई घरेलू इलाज किया या कोई मेडिसिन ले ली तुरंत। अब जब मेरा मन अस्वस्थ होता है, क्या हम तुरंत उसका इलाज करते हैं? मन के अस्वस्थता के समय उसका इलाज कौन सा? उसी समय जो मैंने बाबा की बातें सुनी है वो अपने आप को सुनाकर खुद को ठीक करना। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि हम दूसरे को बदलना चाहिए, दूसरे में ये नहीं करना चाहिए, ये संकल्प चलाते रहते हैं। हम अपने को ठीक करने के बजाय सोचते इन्हें कैसे ठीक किया जाए, इनको कैसे बताया जाए, अगर ये ठीक हो जाए तो बस फिर कोई सेवा में प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन वो सेवा तो करनी है, पर मुझे खुद को ठीक करना है, क्योंकि जो चौथी वाली नाम है उसमें स्वयं चलना पड़ता है, वो ऐसी नाव है वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा कि मैं बैठ जाऊँ दूसरे ने नाव चलाई किनारे पहुँच गए, ये आध्यात्मिकता की नाव स्वयं चलाने वाली नाव है, तो ये मुझे स्वयं को स्वयं रोज आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, अगर नाव रुक गई तो मंजिल नहीं मिलनी है, तो इसके लिए मुझे रोज उस नाव को चलाते चलाते ले जाना है। अब चलाने के समय दिक्कत भी आती है, थकते भी है, जो खुद पैडल बोटिंग करता है वो क्या करता है, ज़्यादा थकता भी है, तो हमें तो ये आध्यात्मिकता की नाव में पैडल बोटिंग है, दूसरा कोई नहीं आने वाला है, हम थकते हैं,
कौन थकता है, शरीर या मन? मन थकता है। फिर मन थकता है तो थोड़ा रेस्ट ले, नाव को खड़ा कर दे, थोड़ा रेस्ट ले। यहाँ रेस्ट भी अलग है। जब रेस्ट का ख्याल आए ना, सबसे बेस्ट रेस्ट है योग। बाबा से कनेक्ट हो जाओ, ये हमें रेस्ट देता है। और ये हमने कई बार अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किया है। कई बार जब पहले झांकियाँ होती थी, रात भर जाग करके सेवाएं होती थी, अब तो उस प्रकार की सेवाएं काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन शिवरात्रि आई, रात भर जाग, रात भर हॉल में भी तैयारी करो, फिर उसके बाद ट्रक सजाने है उसका भी काम करो, और उसके बाद सुबह क्लास है, क्लास भी करो, प्रोसेशन में भी जाओ। रेस्ट के लिए टाइम नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते कि हमें रेस्ट करनी है। तो उस समय क्या करो, उस समय सब छोड़ के 5 मिनट योग करने बैठ जाते, और वो 5 मिनट का योग 5 घंटे की एनर्जी देकर जाता है। पर अगर मैंने सोचा कि नहीं, शरीर थक गया है, अब उसे आराम चाहिए, तो मन तो कहेगा 2 घंटा जाके सो जाओ, फिर कहेंगे सारी तैयारी करके प्रोसेशन में जाओ, हम जाके रेस्ट कर देते हैं। अगर मैंने अपने आप को बता दिया कि मेरे लिए रेस्ट क्या है, योग ये मेरे मन के लिए रेस्ट है, तो सचमुच हम उस 5 मिनट के अंदर भी बहुत अच्छी रेस्ट ले लेते हैं, और फिर से वो एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। और इतना बाबा पावर क्यों दे रहे हैं? अब दे रहा तो बाबा है, 5 मिनट में हमने योग किया, पावर कहाँ से आ गई? बाबा से। क्यों? क्योंकि हमारा निश्चय, आपको कोई भी अनुभूति के पहले तो निश्चय चाहिए, तो उसके ऊपर अगर निश्चय है, वो हमको वो शक्तियाँ देता है, तो हम अपने मन को रेस्ट भी दें। फिर मन को क्या खाना देना है, क्या नहीं देना है, शरीर स्वस्थ रखना है, हम क्या करते हैं, मेरे शरीर को क्या चलता है क्या नहीं चलता है, उस अनुसार। अभी ज़रूरी नहीं कि एक 40 ईयर्स वाले को जो चीज़ एक को चलती वही दूसरे को चलेगी, दूसरी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली भी होगी। तो हर एक अपने को देख करके और वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसे ही मेरे मन को भी स्वस्थ रखना है, तो मुझे मन का भोजन भी तो चेक करना है। बाबा की मुरली तो सबसे बेस्ट भोजन मिल गया, पर उसके बाद सारे दिन में हम बहुत कुछ खा लेते हैं। जैसे हम दिन में एक ही बार भोजन नहीं खाते, 4-5 बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ खा लेते हैं, ऐसे हमारे मन के अंदर कितने सारे विचार चलते हैं, कितने सारे विचार। उसमें भी बाबा के बच्चों के विचार पॉजिटिव के प्रमाण ज़्यादा है, दुनिया वालों का नेगेटिव का प्रमाण ज़्यादा है। ये साइंस ने प्रूव किया है कि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए नहीं है, वो सारे दिन में जो 50,000 से 70,000 तक विचार करते हैं, उसमें से 90 से 95% थॉट्स या तो वेस्ट होते हैं, या नेगेटिव होते हैं, या रिपीटेड होते हैं, या पर्पसलेस होते हैं। ये 4 प्रकार के विचारों के सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो हमारे नेगेटिव तो बहुत कम होंगे, नहीं के बराबर, लेकिन वेस्ट अभी भी चलते हैं। तभी तो बाबा मुरलियों में कहते हैं व्यर्थ से मुक्त बनो, व्यर्थ से मुक्त बनो। अब व्यर्थ से मुक्त बनो ये हम सुनते हैं, हमारे अंदर ये फैक्ट्री है। अब अगर किसी फैक्ट्री में 90% वेस्टेज प्रोडक्ट है, किसी फैक्ट्री में 70% वेस्टेज प्रोडक्ट है, उस फैक्ट्री को अच्छी फैक्ट्री कहेंगे? कुछ दिनों के बाद बंद होना ही है। अब हम अपनी फैक्ट्री को चेक कर लें, हमारे अंदर जो फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन हो रहा है थॉट्स का, वो कौन सा हो रहा है, कितने परसेंट में वेस्टेज हो रहा है। अगर वो ज़्यादा वेस्टेज होगा,
तो क्या करेगा, फायदा तो नहीं देगा, नुकसान ज़्यादा होगा, और नुकसान कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक दिन टूट जाते हैं, कुछ भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो उतना तो मिलता ही नहीं है। कभी ब्राह्मणों को दोष, कभी बाबा को दोष, कभी माया को दोष। और प्रोडक्ट कौन कर रहा था, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कौन निकाल रहा था, हम खुद। हमने वहाँ ध्यान न देकर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा कर लिया, व्यर्थ के संकल्प हमने ज़्यादा कर लिए, नेगेटिव भी थोड़ा थोड़ा आ गया, तो उसके कारण हमारा प्रोडक्शन गलत ज़्यादा है। अब मन के अंदर उदासी तो आएगी, वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो उदासी आएगी ना, इनकम नहीं हो रही है, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, जितना खर्च है उतनी भी इनकम नहीं हो रही है। तो हमारा भी तो ऐसा मन की शक्तियाँ अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम है और यूसेज ज़्यादा है। मन तो सारा दिन चलता ही रहेगा ना, फिर हम कहते हैं मन थक गया। मन थका क्यों, क्योंकि हमने उसे यूज़ बहुत ज़्यादा किया। तो हम यूज़ तो करें पर हम देखें उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जागृत हैं मन तो चलेगा ही, आप बोलो या ना बोलो, सुनो या ना सुनो, चलना ही है। तो मन जब चलना ही है, प्रोडक्शन तो होना ही है, तो क्यों नहीं हम उसको एक लाइन दे दें। कहते ना भाई ये काम करना ठीक है, हम इसको पहले लाइन दे देते फिर अपने आप होता है, पर पहले लाइन तो देनी पड़ेगी। तो हम अपने आप को लाइन दे दें कि आज मुझे क्या करना है। अब यहाँ कोई स्थूल काम तो है नहीं, मन तो स्थूल काम के बारे में भी सोचता है, पर उसके लिए लाइन देने के लिए हमें सवेरे से इसको प्रोग्राम देना पड़ेगा कि आज के दिन में मुझे कैसे काम करना है। करना तो इसी मन को है, पर कैसे करना है, किसी सम्मान को लेकर, किसी टाइटल को लेकर, और फिर उसको बीच में चेक भी करना है। मैंने प्रोडक्शन चालू कर दिया पर उसमें फिर बीच में चेक करना पड़ता है, टाइम मशीन ख़राब तो नहीं हो गई। तो ऐसे हमें उसको देखना, उसको जब हम देखते रहेंगे ना तो अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई तो वही सुधर जाएगी, वो बहुत लंबे समय तक वो मिस्टेक नहीं होगी। तो हम ऐसे अपने आप को चेक करते हैं, ऐसे सारे दिन में हम अपने माइंड को चेक करते हैं, मैंने क्या किया आज। हमारा चार्ट हम कब चेक करते हैं, रात को सोने के पहले, क्योंकि बाबा ने कहा चार्ट देना है। देखा, चेक किया, बाबा को सुनाया कितना गलत हो गया, क्या हो गया, लेकिन उसके बाद हमारे पास समय नहीं होता है हम उसको ठीक करें, क्योंकि बहुत सारा हो गया, सारे दिन में जितना नुकसान होना था हो गया। अब मेरे पास से कल गलतियाँ कम, उसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर अगर मैंने सारे दिन में बीच बीच में अगर अपने आप को चेक कर लिया तो एक घंटे में जो प्रोडक्शन खराब हुआ था वो दूसरे घंटे में संभल जाएगा, संभल जाएगा। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं कैसे काम करूँ। कई बार हम छोटी छोटी बातों में भी रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। सिंपल, हम दुनिया में लोगों को देखते हैं, ट्रैफिक हुआ, हॉर्न बजना शुरू हुआ, एक दूसरे ने गाड़ी थोड़ी सी ढंग से नहीं लगाई, सबका शुरू हो जाता है। ऐसे समय पर हमें क्या करना है, हम ब्राह्मण भी तो उसी में होते हैं, हमारे लिए अलग रास्ते बने हुए नहीं हैं, उन्हीं रास्तों से चलना है, उन्हीं सिग्नल्स को क्रॉस करना है, उन्हीं लोगों के बीच में रह कर के गाड़ी चलाना है। उस समय हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, अरे लोग ऐसे करते हैं, जो सोचते हैं हमें वो नहीं सोचना है, हमें क्या सोचना है, ठीक है जो भी है धीरे से होगा, कुछ भी होगा, रास्ता निकलेगा, टाइम मिल रहा है मुझे वापस से कनेक्ट होने के लिए। उस समय को सफल कैसे किया जाए, अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा योग लगा हो तो ठीक है, लेकिन हमारे विचारों का प्रभाव औरों पर भी पड़ता है, अपने ऊपर पड़ता है, संबंधों पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, और लोगों पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, एटमॉस्फेयर पर पड़ता है,
सोचो एक मेरा संकल्प कितनों को प्रभाव डालता है। अब अगर लोग सारे नेगेटिव सोच रहे हैं और मैंने 10 थॉट भी पॉजिटिव सोच लिए तो 10 थॉट भी तो फैलेंगे ना, मुझे भी शांति होगी, मेरा भी बाबा से कनेक्शन होगा और लोगों को शांति मिलेगी। कैसे? कम से कम लोग ये देखेंगे अरे इतना सब होते ये बड़े शांति बैठे, एक उनके दिमाग में ये प्रिंट हो जाता है क्या ऐसा इनके पास है जो वो कंट्रोल कर पाते हैं। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारी छोटी छोटी सी धारणाएं हैं, पर ये छोटी धारणाएं बाबा कहते हैं लोगों के ऊपर छाप डालने वाली। हम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उनसे कुछ तो ऊपर हैं, तभी तो बाबा प्रत्यक्ष होगा ना, तभी तो उन्हें लगेगा कि इस अशांति वाले संसार में भी शांति हो सकती है। अभी तो कहते पहले थी अभी वाली नहीं। तो हम अगर चाहते हैं कि हम ऐसी धारणाएं करें छोटी छोटी बातों की, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अगर आप देखो तो उनकी अशांति की वजह क्या है, माँ बाप कहेंगे बच्चे, बच्चे कहेंगे माँ बाप। प्रॉब्लम कहाँ आई? मोबाइल से आई। हम सब ये जानते हैं, स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कंप्लेंट लेकर आते हैं, कोई किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा, समय ही नहीं है, समय नहीं है। पहले जितना समय था आज भी उतना ही समय है। 24 घंटे में बाबा ने समय को आगे पीछे किया क्या? पहले 24 था अभी 26 हो गया, या घंटे का कैलकुलेशन चेंज किया? 60 मिनट में एक घंटा पहले भी था, 60 मिनट में एक घंटा अभी भी है। लेकिन अब क्या हुआ है? हम कहते काम बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गई, काम बड़े नहीं है। काम अभी भी जो हम पहले करते थे ना, आज अगर हम देखें उससे भी कम काम कर रहे हैं। हम साधनों के पीछे चले गए हैं, साधना कम हो गई है और साधनों के कारण सुख तो मिल गया लेकिन शांति चली गई। एक आया और दूसरा चला गया। अब अगर हम परिवारों में ही देख लें, पहले एक दूसरे के साथ कनेक्ट, मोबाइल जब नहीं था आप सब यात्रा तभी भी करते थे, मधुबन तब भी जाते थे, आज मोबाइल आने के बाद भी यात्राएं हो रही हैं। आज कितनी बार हम कॉल कर लेते हैं, यहाँ से निकले स्टेशन पहुँचे कॉल करके हम स्टेशन पहुँच गए, ट्रेन में बैठ गए कॉल कर दिया मैसेज कर दिया पहुँच गए, वहाँ पहुँचे कर दिया मैसेज, फिर वहाँ रहने के बाद घर में फोन करके पूछेंगे उठ गए क्या, बच्चे उठ गए क्या, खाना खा लिया क्या, अरे भाई आप किस लिए गए हो, किस लिए गए हो मधुबन। जो हमें यहाँ नहीं मिल रहा वो प्राप्ति के लिए गए, फिर वहाँ जाके भी काम तो वही कर रहे जो यहाँ कर रहे थे, बल्कि यहाँ से भी ज़्यादा चिंता वहाँ कर रहे, क्योंकि यह बच्चा सामने था, खाया नहीं खाया मैंने अपने हाथ से दे दिया, अब वहाँ जाने के बाद तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हम दिन में कितनी बार फोन कर लेते हैं, करते हो या नहीं करते? करते हैं, दो बार एक बार रोज बात हो जाती है। बिजनेसमैन रोज एक दो बार तो बात कर ले, पूछ लेगा क्या है, क्यों? जब मोबाइल नहीं था तभी तो बिजनेस चल ही रहा था, तब यहाँ शांति थी, अब क्या हुआ है वो शांति की जगह यहाँ आ गई है। तो यहाँ जो हाथ में आ गया उसने अशांत कर दिया, उसने अशांत किया मोबाइल। अच्छा भी है ये सारा मोबाइल ही आपका काम कर रहा है, अच्छी चीज है, पर अगर कोई भी बात चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अगर अच्छी भी है वो अति में जा रही है तो वो बुरी है। मीठा खाना अच्छा है लेकिन मीठा ज़रूरत से ज़्यादा खाओ बीमारी, तीखा टेस्टी खाना अच्छा है पर कितना, थोड़ा ही खाएंगे ना, हम बहुत ज़्यादा रोज करेंगे बीमारी आएगी। हमारे मन के अंदर भी यही खाना जा रहा है, रोज कैसा खाना जा रहा है, यहाँ वहाँ का टेंशन वाला खाना, कुछ किसी की गलतियाँ वो भी पड़ी है अंदर, किसी से हम गलत हो गए वो भी थोड़ा सा मुश्किल, और ये जीवन
जीवन कैसी लग रही है? चल रही है। बाबा के बच्चे चल रही है, रुकी नहीं है। पर हम कहते हैं जैसा चाहिए वैसा नहीं। हम सब उस बात से संतुष्ट हैं। मेरा जितना खुश आप है, जितनी मुझे अनुभूति है, जितना मेरे पास शक्तियाँ मिल रही पर्याप्त है। हमें उससे सेटिस्फाई, अपनी पुरुषार्थ से हम सेटिस्फाई हैं नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक लक्ष्य कहो या हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पाने के लिए हम पूरे नहीं हैं। इसलिए बाप कहता हमारी जीवन तो बहुत आसानी वाली होनी चाहिए। जीवन को आसान बनाने के लिए दो काम करने होंगे। लोग ये कहते हैं कि जीवन को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। सिंपल दो तरीके मन को शांति देने के लिए। अशांत क्या करता है? मैंने किसी को कुछ बोल दिया, फिर सोचते अरे उनको बुरा लगा होगा। अब उनको कितना बुरा लगा पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से हो गया। फिर बात ऐसी कि हम उसके सामने जाके सॉरी भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अपना अहम भी आता है। फिर वो मुझे समझेंगे कि हाँ इनका ऐसे है, तो अहम के कारण माफ़ी नहीं हो रही है। पर बुरा तो लगा है, वो मन तो खा रहा है, क्योंकि ज्ञान बाबा ने दिया है ना, तो ज्ञान के कारण मन खा भी रहा है। तो इसके लिए बाबा ने तो बड़ा सहज तरीका बता दिया है। आप उसे इमर्ज करो, योग में बैठो, उसे माफ़ी मांगो। कई ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो गए हैं। हमें वैसे होना नहीं चाहिए। बाबा ने तो कहा हर एक का पार्ट है, कोई हमें सुख भी नहीं देता, कोई हमें दुख भी नहीं देता। हम फील करते हैं ऐसा ही है, हम फील करते हैं। क्योंकि जब हम सब योग में बैठते हैं तो बाबा हमें शक्ति देता है, बाबा हमें सुख देता है, या हम पहले से कनेक्ट होते हैं। देता बाबा है पर कब? हम उससे कनेक्ट होंगे तब ना। अब मैं उससे कनेक्ट ही नहीं हूँ, मेरे को इनको तो वो शक्तियाँ मिल रही हैं, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। बाबा इनकी मदद कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा है। तो बाबा देख करके मदद नहीं कर रहा है, जो उससे कनेक्ट हो जाए वो उसको दे देता है। तो हम भी कैसे हैं, जब जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे कोई कुछ शब्द कहे, जिसके व्यवहार में कोई बात आई, हम कनेक्ट हो जाते हैं। हम उससे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? हम उससे कनेक्ट हो गए, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे कहा, मैं कनेक्ट हो गई। अब मैं कनेक्ट हूँ तो मुझे कुछ तो मिलना ही मिलना है। तो जैसा मेरा संकल्प, जैसा मैंने कनेक्शन रखा, वैसा ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाता है। और वैसा आने के बाद फिर हम कहते इनके कारण ऐसा होता है, सो मैं गलत नहीं हूँ पर ये। तो वहाँ हम खुद को छोड़ देते हैं। और बाबा हमें क्या कहता है? बाबा ने क्या स्लोगन दिया है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब उस समय मेरा स्लोगन कौन सा बन गया? विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। उल्टा हो गया ना, भाई आप थोड़ा सा करो, मैं हमेशा इनके लिए करती हूँ, अच्छा हूँ तो भी ऐसे ही है। तो हमने स्लोगन को उल्टा किया, तो यहाँ शांति मिलेगी या अशांति मिलेगी? सिंपल। अब अशांति का अनुभव तो मैंने खुद नहीं कहा, आ जाओ मेरे पास अशांति आ गई। अब ऐसे समय पर कोई मुझे देखे, कोई मेरे संपर्क में आए, उसका क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? वही वाइब्रेशन। फिर हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? बहुत अच्छी स्माइल देते हैं, ओम शांति भी करेंगे, स्माइल भी देंगे, लेकिन कौन सी बात वहाँ पहुँच रही है? स्माइल नहीं पहुँच रही है, ओम शांति शब्द भी असर नहीं कर रहा है। पर यहाँ जो चल रहा था वो सबसे पहले असर करता है। तभी वो कहते अरे बात तो ठीक कर रहे थे, लेकिन कुछ वाइब्रेशन ठीक नहीं आ रहे थे। क्योंकि हम सब वाइब्रेशन कैच करने में भी तो पावरफुल आत्माएं बन गई हैं, तुरंत पता चल जाता। तो जब हमें बाहर के लोगों का वाइब्रेशन पता चलता है, तो हमारा भी तो वाइब्रेशन लोगों को पता चलता है। उस वाइब्रेशन को वो कैच कर लेते हैं, और वो वाइब्रेशन कैच होने के बाद
रिटर्न सर्विस कौन सी होगी? रिटर्न सर्विस कौन सी होगी? नई वाइब्रेशन आएगी, उसी प्रकार की सोच उनकी चलेगी और मेरे पास रिटर्न वही आएगा। तो मैंने पहले अशांति वाला काम किया, रिटर्न में भी अशांति मिल गई। और फिर हम कहते बहुत अच्छी शांति, आंतरिक शांति का हम अनुभव कर, उसके लिए स्पष्टता चाहिए। किसके साथ? बाबा के साथ स्पष्ट, जिसको बाबा के शब्दों में अगर हम कहें तो अंदर बाहर एक रहना, समान रहना। अब लोगों के सामने हम सब अंदर बाहर एक समानता की बात करते हैं, हम कहते नहीं नहीं मैं तो जो बाहर हूँ मैं अंदर भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। पर हम खुद को चेक करें, क्या हम अंदर और बाहर एक समान हैं? बाहर में बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करूं और अंदर किसी के लिए कोई वेस्ट थॉट क्रिएट करूं, कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करूं, तो मेरा अंदर बाहर एक काम स्पष्टता का है, सत्यता का, क्योंकि स्पष्टता के साथ सत्यता आती ही है और सत्यता के लिए सच्चाई सफाई। दादी जानकी इस बात को बहुत कहती थी, बाबा के साथ पूरा सच्चाई सफाई। कई बार हमने दादी को देखा था, दादी के पास अगर किसी की कंप्लेंट भी आती थी कि आत्मा ने ऐसे किया है, तो दादी उसे बुलाकर पूछती थी, मैंने ऐसे सुना है, ऐसा है क्या? अब कभी कभी कोई सच बोल देता था और कभी कहते थे नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, दादी दूसरी बात पूछती थी। फिर भी वो व्यक्ति नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है। अब दादी है, अगर वो कहे कि मुझे ये रिपोर्ट मिली है और ऐसा ही है, कह सकती है, परंतु दादी नहीं कहती थी। दादी कहती थी अच्छा ठीक है, नहीं है ना कोई बात नहीं। अब नहीं है कोई बात नहीं कहा, उस व्यक्ति को अपने आप रियलाइज होने लगता है, भले था तो सही पर मैंने दादी को नहीं कहा। का नहीं कहने के कारण और भी हो सकते, क्योंकि दादी के पास और भी लोग बैठे हैं तो उनके सामने मैं नहीं बोल सकती, तो अंदर फील तो हो गया। लेकिन अगर दादी उनको सबके सामने बोल दे मैंने ऐसे सुना है ऐसा है, वो आत्मा दादी के प्रति नेगेटिव बन जाएगा, है ना? दादी ने सबके सामने बोल दिया, देखा ही नहीं, लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे उसका दादी के पास जाना ही बंद हो जाएगा, अंदर उसके नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, कैसे दादी की दुआएं मिलेंगी। तो दादी कहती थी नहीं ठीक है, स्वीकार किया ठीक है, नहीं अच्छी बात किया तो भी अच्छी बात, नहीं किया तो भी अच्छी बात। आज हम अपने अंदर देखें क्या ऐसी सच्चाई सफाई, ऐसी सत्यता, ऐसी सोच दादी के जैसी हमारे पास है। अगर कोई गलत है हम क्या करते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, चाहे परिवार की चाहे किसी और की, हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यस आप इस बात में ऐसे रॉन्ग हो, हम प्रूव करते हैं और हमारे पास प्रमाण होते हैं, हम प्रूव कर भी देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और उसके साथ साथ हमारी अपनी शांति तो कहाँ चली जाती है पता है, क्योंकि प्रूव करने में ही इतना सारा बोलना पड़ता है, इतना सब सोचना पड़ता है, और वो सब होने के बाद भी अंदर शांति नहीं होती है, बाहर शांति हो गई, अंदर शांति नहीं होती है। तो हम कौन सी शांति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाहर की शांति के लिए नहीं, पर अपने अंदर की शांति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर बात में हम अपने आप को देखें, हम बाबा के साथ कितने स्पष्ट हैं, जितनी स्पष्टता होगी उतना ही हम अंदर सुखी रह सकेंगे, वरना बाहर से चेहरा तो हर्षित्मक होगा, स्माइली भी होगी, पर अंदर की अवस्था, क्योंकि जो सेवा होगी वो बाहर के चेहरे से पहले अंदर का चेहरा करेगा।
जो अंदर की बात होगी वो चेहरे पर आएगी, वो हमारी आंखों में आएगी, वो हमारे मस्तक में आएगी। कई बार व्यक्ति कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं आपकी आंखें बोल रही हैं। अब आंखों के पास शब्द नहीं है, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो भाव अपने आप आंखों में दिखाई देते हैं, मस्तक की रेखाओं में दिखाई देते हैं। तो हमें लोगों को देने के लिए भी यहाँ चेंज करना है। रोज अपने आप के चक्कर बन के खुद को देखते रहे, कहाँ मेरा क्या छूट रहा है। अटेंशन पूरा एक चौकीदार अंदर बिठा दो जो ये चेक करता रहे, अंदर देखता रहे, कहाँ कोई बिगड़ा तुरंत पकड़ो। बाद में तब तो बहुत कुछ चला जाएगा, परंतु तुरंत अपने आप को हम चेक करते जाएं। और फिर हमारे मुख से भी कई बार वो बातें आ जाती हैं जो यहाँ बहुत समय चलता है ना, वो मुख पर बहुत जल्दी आता है। एक बार कंट्रोल करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चौथी बात जब आएगा ना वो पहले के तीन बार वालों को इकट्ठा के आएगा। आता है ऐसा, हम किसी की बात को सेंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है पड़ी है सेंड कर लो, बाबा कहता है साथ में रहे सेंड कर लो, बाबा ने आज मुरली में कह दिया समझो अपने मुरली सुनी, बाबा ने कहा परिवार में सबके साथ बहुत प्रेम से चलना। अब घर पहुँचता ही ऐसा कुछ हो गया, प्रेम तो बाद में फिर याद आ गया, अरे पापा ने बोला है, हमने खुद को याद किया और हमने कहा चल ठीक है, पर को चेंज भी कर लिया। लेकिन अगर वही बातें रोज होने लगी तो वो प्रेम, वो शांति, अच्छा व्यवहार कहाँ जाता है, तुरंत वो छूट जाता है। और फिर हम चार दिन वाली गलतियाँ उसको बना लेते हैं, चार दिन से रोज आप ऐसे ही कर रहे हो, कितनी बार समझाए तो भी ऐसे ही कर रहे हो, आप नहीं कुछ बोल रहे तो ऐसे करो, हम क्या करें। पहले वाला पूरा माना हमने जो शांत रहने का, जो प्रेम से रहने का काम किया था वो कैसे किया था, ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं। मैंने दिल से उस बात को नहीं किया था, लेकिन क्यों किया था, क्योंकि आज बाबा ने मुरली में कहा था, तो थोड़ा तो बाबा की बात के ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे थे, पर हम उसको स्वीकार करके नहीं चल रहे, चले तो सही पर स्वीकार करके नहीं चले। अगर उस बात को स्वीकार करके चलते वो एक सेकंड नहीं लगता धारणा में। जैसे हम बाबा के बच्चे बने, हमने प्यार रसों पवित्रता तुरंत फॉलो किया ना, आज कितनी भी बातें आती हैं हम क्या करते हैं, अरे सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, माताएं बेचारी मार भी खा लेती है पर धारणा नहीं टूटती है। क्यों हुआ ऐसा, हमने बाकी छोटी छोटी बातें चार दिन में छोड़ दी, हमने उसे दिल से स्वीकार किया कि यस ये ब्राह्मण जीवन के लिए ये सबसे अच्छी बात है और ये मुझे करनी है। जब हमने स्वीकार किया तो करने में दिक्कत नहीं आई, लाइफ में एंड तक हम उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ये रोज की छोटी छोटी बातें बाबा हमें सुना रहा है वो हमने दिल से स्वीकार नहीं की। आप लोग कहेंगे आप ऐसे कैसे कहते हो, बोलिए हम सुनते हैं रोज, तो स्वीकार तो किया है बाबा को, तभी तो बाबा को स्वीकार किया है, पर बाबा के हर बात को हमने स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए वो धारणाएं ऊपर ऊपर से हो रही है। सिंपल बाबा ने कहा शांत स्वरूप में आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति घर से आई हूँ, बाबा शांति का दाता है, ये पांच वाक्य हमने सुने सुनाए, कितना स्वीकार किया बाबा के लिए, 100% कर दिया, अपने लिए मैंने कितना किया। अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, सारी दुनिया झगड़ा करने ना तो भी मैं शांत रहूँगी, क्यों, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार किया, ये तो मेरा स्वधर्म है, जो मेरा स्वधर्म है उसको मैं छोड़ नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए। क्या इस कदर हमने स्वीकार किया, इस तरह से हमने इतना उस गुण को अपना बनाया है, है वो मेरा अपना गुण पर हमने उसको इतना अपना बनाया है। अगर अपना इतना बनाएंगे कोई भी परिस्थिति होगी हमारी शांति कहीं नहीं जाएगी।
हमने दादियों को देखा है, बड़ों को देखा है, कितने भी बाबा की हिस्ट्री पढ़ी होगी सबने, कितने बड़े बड़े तूफान आए, पिकेटिंग हुई, जलाया, कितना कुछ किया, लेकिन शांति, उन्होंने पक्का किया शांति हमारा स्वधर्म है। अगर इस एक बात को भी पक्का कर लिया और शांति के आगे सारी दुनिया झुकती है, पता है, इसीलिए लोग कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस की तुलना गोल्ड से की गई है। तो अगर मैंने उस एक बात को स्वीकार कर लिया, माना मैं सोने की बन गई। और बाबा तो हमें कहते हैं तुम्हारा ये ब्राह्मण जन्म डायमंड, तो डायमंड और सोना दोनों साथ में चले, बिना सोने के डायमंड भी नहीं पहन सकते हैं, तो पहले तो सोना चाहिए, फिर हमारी लाइफ डायमंड बनती है। तो हम इन गुणों को सोने की तरह अपने अंदर स्वीकार करें तो हमारा जीवन ही गोल्ड जीवन बन जाएगा, सोने जैसा जीवन बन जाएगा। आत्मा को वो पावर मिल जाएगी जो कैसी भी परिस्थितियों में कैसे भी रहेगी पर वो आगे बढ़ सकेगी, उसे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अपना बल बहुत है। आज अगर आत्मा के पास अपना बल है तो कुछ भी हो जाए कोई उसको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, पर अगर कोई ताकत रोकती है तो सिर्फ अपने अपने संकल्प, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपने ही सब बातें हमें रोकती है, कोई किसी बात के लिए हमें रोकता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने अंतर में उन बातों को पक्का स्वीकार करना है, ये है, और थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो सच्चाई है वो तो हमेशा के लिए, बाबा ने जो स्पष्टता बताई है वो हमेशा के लिए सत्य बात है। तो सत्य बात छिप सकती है पर खत्म नहीं हो सकती, सत्य बात लोगों को कुछ समय तक ना दिखाई दे संभव है, पर सत्य बात कभी भी खत्म नहीं होती है। तो ये सारे सत्य हमारे जो आत्मा के सातु गुण है, ये हमारे ओरिजिनल है, ये हमें स्वीकार करने हैं कि मैं ये हूँ और इनके साथ मुझे काम करना है, इनके साथ मुझे उस नाव में बैठकर यात्रा करनी है। तो वो जब हमारे पास होंगे तो वो मेरी रक्षा अपने आप करेंगे। हम उसको छोड़ते हैं तो फिर दूसरी बातें काम करने लगती हैं और उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बुराई ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा होने के कारण अगर मेरा पावर थोड़ा भी कम हुआ ना, वो हम पर अटैक कर देंगे। लेकिन अगर मेरा पावर ज़्यादा है तो वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, है मेरे चारों ओर पर वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद को इन कवच के अंदर रखा है। तो मैं अपना कवच रोज चेक करती रहूँ कि मेरा कवच कैसा है, उससे कहीं मैं बाहर तो नहीं जा रही या उसका थोड़ा भी प्रभाव मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, उसके लिए हम चेक करें। अब कहेंगे सारे दिन में काम करते करते कहाँ चेक करने को टाइम है, टाइम नहीं वाला है। सबसे पहली बात, अगर हम ये कहते हैं कि हमें सारे दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो हम इस स्लोगन को बदल दें अंदर से कि मेरे पास टाइम पर्याप्त है। और बाबा ने तो बहुत अच्छा हमें सिस्टम बना के दिया ना ट्रैफिक कंट्रोल का, शांत रहना ही है ना 2 मिनट, उस 2 मिनट की शांति में क्या करना है, उस 2 मिनट की शांति में अपने आप को सबसे अटैच करके अपने बाबा के साथ और अपने गुणों के साथ कनेक्ट हो जाना। ये कनेक्टिविटी मेरी कितनी है इसको देखना है, कनेक्ट होते जाओ ऑटोमेटिक मेरे आसपास जो हो रहा है, जो कोई गलत हुआ तुरंत पापा मुझे कहेगा ये नहीं ये करो, कहता है ना 2 मिनट भी बैठो तो बाबा टच कर देता है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल हमारे हमको अलर्ट करते हैं, हमको कहते हैं कि हाँ ये करो, रात को चेक नहीं करो, रात को चेक किया तो बहुत लेट हो जाएगा, दिन को बीच बीच में हम इसको चेक करते जाएँ।
और अपने आप से कहे, मैं अपने पुरुषार्थ के लिए हमेशा फ्री हूँ। काम जो भी करोगे मन से तो सोचना ही है ना, तो मन से हम अच्छा सोच के तो काम कर ही लेंगे। दादी जानकी हमेशा कहती थी मैं हमेशा फ्री हूँ। दादी को कोई कहता था दादी आप बिजी हो, कहती थी नहीं मैं हमेशा फ्री हूँ। अब सारा दिन तो लोगों से मिलती थी, क्लास करती थी, पर कहती थी मैंने अगर बोझ ही नहीं रखा बोझ हो जाता है। अगर आप सोचो मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, ये बोझ बदारी बन जाए, और वाकई में हमें टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन हम कभी कभी एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम तो निकाल ही लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है करना है, तो टाइम निकल आता है। तो ये भी हमारे लिए, तो ब्राह्मणों के लिए ये तो सबसे ज़रूरी है, तो हमारे पास समय भी निकलेगा और हम बहुत सारे तनाव से अशांति से दुनिया के वातावरण से हम दूर हो जाएंगे। और आप स्वयं एक चलती फिरती मूर्ति बन जाएंगे। लोगों को मंदिर जाने का टाइम नहीं है अभी, पहले एक समय था लोग मंदिर जाते थे, अब हफ्ते में एक दिन, कोई विशेष दिन आया दो मंदिर जाएंगे। अब ऐसे हैं बाबा ने इतनी सारी मूर्तियां तैयार कर दी और कहा ठीक है लोगों को वहां तक आने का समय नहीं, आप जिन जिन के संपर्क में आओ आप मूर्ति बन जाओ, उनको वहीं संतुष्ट कर दो, उनको वहीं जो चाहिए वो दे दो, चलते फिरते मूर्ति बन जाओ। बन सकते हैं ना, बन सकते हैं। बाबा तो मूर्ति बनाने ही हमें आए, बस ये मुझे याद रहे कि मैं चलता फिरता एक फरिश्ता हूँ, मैं चलता फिरता एक देवता कराने की आत्मा हूँ। अगर ये भी याद है ना, अंदर कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ेगा। इजी, बाबा बहुत इजी इजी बातें बताता है। जब हम छोटे थे ज्ञान में आए थे तो उस समय की ब्राह्मणों की भाषा अलग थी, आज वो भाषा सुनाई नहीं देती है। उस समय दादी हमको सिखाती थी कि हर ब्राह्मण आत्मा होनहार देवता है, ये बाबा ने भी कहा है। लेकिन उस समय जब भी किसके घर जाते थे, किससे मिलते थे, तो एक दूसरे को बुलाते थे ऐसे, आओ देवात्मा आओ। आज कौन कहता है, आज कौन कहता है। अब ये दादी ने उस समय हमें आदत क्यों डाली मुझे याद है, हम वहाँ पाठशाला में क्लास में जाते थे, सेंटर गार्ड ऊपर में था, मुलंग में नहीं था, पास में हम पाठशाला में क्लास में जाते थे। जब भी हम जाते थे ना, वो माता ऐसे ही बोलते थे, आओ देवात्मा कैसे हो, क्या समाचार लाए हो। तो पहले थोड़ा सा लगता है, फिर जब मधुबन में दादी ने कहा तो समझ गए ये हमारे ब्राह्मणों की भाषा है। तो क्यों दादी ने कहा, हमारे देखने का नज़रिया सबके प्रति देवता ही बन जाए, तो मुझे उसमें से अवगुण दिखाई देगा नहीं देगा। मैंने कहा देवात्मा हो, तो देवात्मा माना गुण वाली आत्मा, देवात्मा माना महान आत्मा, तो महान आत्मा से तो मुझे अच्छा ही मिलना है। और बाबा ने अभी सुमान लेकर क्या कहा, अपने को चलता फिरता फरिश्ता था, शांति का अवतार में आज अवतरित हूँ। अब यह थोड़ी याद ना कुछ, शायद लास्ट टू लास्ट वीक की थी, जिसमें बाबा ने कहा था सवेरे सवेरे अपने आप को याद दिलाना, मैं शांति का अवतार अवतरित हुआ हूँ, श्रेष्ठ शांति स्वरूप आत्मा अवतरित हुई हूँ। अब अवतरित होने वाला तो कोई विशेष कार्य, तो मुझे ये शब्द याद करके अपने आप को चलाना। तो हमारे पास जितनी भी बातें आती वो भी हमें बड़ी बात भी नहीं लगेगी और हमारे द्वारा लोगों को साक्षात्कार भी होता रहेगा। अब तो साक्षात्कार कराने का समय है, अब अपने लिए बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता ही नहीं, बस एक कुछ बातों पर हम ध्यान रखते तो आराम से हो जाता है। तो इसके लिए बाबा ने हमें बहुत सहज सहज तरीके बताए हैं, आप सब करते भी होंगे और भी हम थोड़ा सा उसमें हम करें तो हमारा जीवन और भी सहज सहज ज्ञान है, हम कहते सहज ज्ञान सहज राजयोग, तो जीवन भी तो सहज हो जाए। तो ऐसी सहज जीवन के लिए मुस्कुराहट सदैव आ जाए। अगर अंदर गुण है, चेहरा मुस्कुराहट सदा बनी रहेगी, सदा मुस्कुराहट बनी रहेगी तो हम दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे। जो स्वयं मुक्त होगा
और दूसरों को भी मुक्त कर देता है। तो हम ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, उद्देश्य रखें और उसे जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़े। ओम शांति। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी क्लास कराई और बहुत चीज़ों की स्पष्टता हुई है हमको। तो तालियों के साथ दीदी जी का एक बार अभिनंदन। ओम शांति।